पाकिस्तान के सुर बदल रहे हैं। अब पाकिस्तान भारत से दोस्ती के कदम बढ़ा रहा है, फिर चाहे वो सीमा तनाव पर हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर वाजपा का बयान हो या सिंधु जल विवाद सुधारने की वार्ता हो, हर जगह पाकिस्तान शांतिपूर्वक बर्ताव कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान भारत के साथ मीठी जुबान क्यों बोल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की खस्ता हालत ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा समय में पाकिस्तान आंतरिक तौर पर कई मोर्चों से घिरा हुआ है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। रणनीति और कूटनीति दृष्टि से वो काफी अलग थलग और कमजोर हो चुका है। वैश्विक मंच पर भी उसके हालात काफी खराब हो चुके हैं। साथ ही हाल ही में अमेरिका रक्षा मंत्री के भारत दौरे से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इसी के साथ बाइडेन प्रशासन ने भारत को अपने 10 सबसे शीर्ष के सहयोगी देशों में शामिल किया है। भारत को अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बनने वाली भावी नीतियों में शामिल किया है और अहम जिम्मेदारी निभाने को भी कहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि चीन इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है, वो ये भी जानता है कि भारत को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं पाकिस्तान के मौजूदा हालातों की बात करें तो पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। सरकार के पास स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खर्च करने को पैसा नहीं है। ये बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूली। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में पाकिस्तान को भारत से रिश्ता सुधारने की शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन भविष्य में ये कितना कामयाब होगा ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भरोसा करना जरा कठिन है। पाकिस्तान अमेरिका से भी रिश्तों में सुधार कर रहा है ताकि उसे अमेरिका से भी मदद मिल सके। ऐसा पाकिस्तान के पीएम और चीफ जनरल के सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की पेशकश में अनुभव हुआ। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।